हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा कि व्हाट्सएप को कैसे आप सिक्योर कर सकते हैं। व्हाट्सएप ने कौन सा फीचर निकाला है जिससे कि आपको व्हाट्सएप कोई हैक नहीं कर सकता है। कि बीच में ऐसा क्या था कि डाटा भी चोरी हो जाता था और जो आपकी प्रोफाइल पिक वगैरह ये भी चोरी हो सकती थी। तो व्हाट्सएप ने भी जीमेल की तरह टू स्टेप वेरिफिकेशन निकाला है। यहाँ पर OTP पासवर्ड आता है अगर कोई अदर आपका अकाउंट ओपन करता है तो आपको इनेबल कैसे करना है उसके बारे में मैंने ये वीडियो बनाई है। तो आप ये वीडियो जरूर देखिएगा शुरू से लेकर एंड तक। अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलो चलते हैं फिर वीडियो पे। तो मैं सबसे पहले अपना व्हाट्सएप ओपन करता हूँ। तो मैंने ये अपना व्हाट्सएप ओपन कर लिया है और आप ऊपर देख रहे होंगे सर्चिंग का, कॉन्टेक्ट का और तीन डॉट डॉट करके जो बार बने हुए हैं आपको यहाँ क्लिक करना है तो आपकी लिस्ट निकल जाएगी। तो मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। कुछ इस तरीके से हमारी जो है लिस्ट निकल गई है, न्यू ग्रुप न्यू पॉडकास्ट। और हमें जाना कहाँ पर है, हमें सेटिंग में जाना है। तो हम सेटिंग में क्लिक कर देते हैं। तो ये हम सेटिंग की तरफ चलते हैं। अब आप देख रहे हैं कि आपका अकाउंट चैट नोटिफिकेशन डाटा यूजेस ये पेज खोल गया है। तो हमें अकाउंट में क्लिक करना है और हम अकाउंट में आ गए हैं। तो आप ये देख रहे हैं प्राइवेसी सिक्योरिटी और एक ऑप्शन नया फ्यूचर जो है टू स्टेप वेरिफिकेशन यहाँ पर आ गया है। तो हमें यहाँ पे क्लिक करना है। तो मैं इसे इनेबल करने वाला हूँ तो मैं इसको इनेबल कर देता हूँ। तो अभी मेरे से 6 डिजिट का पासवर्ड कह रहा है कि आप अपडेट करना है। तो मैं यहाँ पे 9818333 तो ये दोबारा कंफर्म के लिए कहता है मेरे को। तो मैं इसे 9818333 और मैं इसे सेव कर देता हूँ। ये मेरा सेव हो रहा है। अप्लाई सेटिंग। पासवर्ड क्रिएट करने के बाद हमारा नेक्स्ट पेज ईमेल आईडी पे खुल गया है। ईमेल आईडी हमें यहाँ पर डालनी है। अगर आप नहीं डालना चाहते तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन मैं डाल देता हूँ क्योंकि अगर मैं बाय चांस फ्यूचर में अगर पासवर्ड भूल गया तो ईमेल आईडी से मैं रिकवरी कर सकता हूँ। तो मैं ईमेल आईडी यहाँ पर डाल देता हूँ। ये मैंने ईमेल आईडी डाल दी। के बाद ये कंफर्म के लिए कहता है कि आपको कंफर्म करनी है। तो मैं इसे दोबारा से कंफर्म कर देता हूँ कि हाँ मुझे यही ईमेल आईडी करनी है। और ये मैंने इसे कंफर्म कर दिया। अब ये अप्लाई हो रहा है और ये देखिए ईमेल आईडी सेट हो गई है और आपका नेक्स्ट पेज इस तरीके से खुल गया। अब ये आपका सेव हो चुका है।